प्रधानमंत्री ने सियासत में उस समय हलचल पैदा कर दी जब उन्होंने अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने 80 बनाम 20 बताया है। इस बयान के बाद जनपद के राजनीतिक दलों के लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया रही, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 के बयान को लेकर के मैनपुरी में राजनीति गरमा गई है। लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर 80 बनाम 20 फीसदी का चुनाव बताया है। 80 फीसदी उन्होंने बीजेपी का समर्थन और 20 फीसदी में अन्य सभी पार्टियों को शामिल किया है। इस बयान से जनपद की राजनीति में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम आपको मुख्यमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने दिया है। 80 फीसदी समर्थन एक तरफ होगा, 20 फीसदी दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20 फीसदी हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी, बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो सुना आपने किस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने बयान से पूरी राजनीति को गरमा दिया है। वहीं अब लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं, इस बयान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। नीरज शर्मा, नीरज जी, योगी जी का एक बयान आया है कि यूपी में जो लड़ाई है 80 और 20% की है, क्या कहना चाहिए इस पर? इस पर तो मुझे तो बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे मेन मुद्दे पर जा रही है और 80% अखिलेश यादव, 20% बीजेपी, उसका भी एक कारण है भाई। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ बेरोजगारी, एक सबसे पहला मुद्दा शिक्षा मित्रों का भाई। शिक्षा मित्रों को उन्होंने 5 साल बिल्कुल मरे के स्तर पे छोड़ दिया, सबसे मेन मुद्दा। अब शिक्षा मित्र का कम से कम 20 लाख तो वोट है यहाँ पे, वो सब समाजवादी पार्टी। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में सबसे मेन मुद्दा शिक्षा मित्रों का, तो शिक्षा मित्र भाई 1,70,000 हैं, उसके बाद उनका घर परिवार रिश्तेदार सब मिला के 20 लाख से भी ऊपर वोट निकलेगा, वो शिक्षा मित्रों का ही होगा समाजवादी पार्टी खाते में सीधा सीधा। और उसके बाद तो फिर बेरोजगारी, किसान हैं, बिजली महंगाई, ये वाला वैसे मेरे मुद्दे हैं जिसमें बिल्कुल सरकार फेल हो गई। योगी जी का बयान आया है, यूपी में लड़ाई है 80 और 20 की, इस पर क्या कहना है? सरकार की जो योजनाएं रही हैं उनका लाभ नीचे स्तर तक गया है। योगी जी का जो कहने का मतलब है, वो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने प्रत्येक वर्ग को लाभ दिया है। 80% जनता योगी जी के साथ में है और इसको जो अपभ्रंश करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोग, ये लोगों की भूल है, तो उसको तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं। योगी जी का कहने का तात्पर्य यह था कि 80% नीचे छोटे वर्ग है, दलित वर्ग है, अपना मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, ये सब सरकार के साथ है। 20% में कुछ लोग हैं जिन लोगों ने कुछ लोगों को भ्रमित कर रखा है, वही केवल अखिलेश जी के साथ में है और चुनाव एक तरफा है। निश्चित रूप से 300+ सीटें आकर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आएगी। अल्केश जी, एक योगी जी का बयान आया है कि यूपी में जो लड़ाई है 80% और 20% की है, जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 20% और 80% की नहीं है, ये जो भ्रम फैला रहे हैं योगी जी हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं। 80% में सीएम अखिलेश यादव है और 20-0 में है ये बीजेपी। गांव की त्रस्त है, ओले से, पानी से और किसी भी चीज़ से, महंगाई से, खाद भी 5 किलो चोरी कर ली, हर चीज़ से जनता त्रस्त है, खाद भी नहीं दे पाए, राशन भी सरा हुआ दे रहे हैं, इनकी सारी समस्या महंगाई में, सिलेंडर भी नहीं भरवा पा रहे हैं, सिलेंडर की महंगाई बहुत है, लेकिन ये तो भ्रम फैलाने में सबसे माहिर और ऊंची प्रवृत्ति के लोग हैं जो झूठ फैला रहे हैं। प्रशांत पाठक नाम है हमारा। प्रशांत जी, योगी जी का एक बयान आया है कि यूपी में जो लड़ाई है जी 80 और 20% की है, क्या कहना चाहिए इसको? देखिए, 80% में वो लोग हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है, बेरोजगार हैं वो भी जो 80% में है, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, और वो लोग जिनकी इन्होंने रोजगार छीना है। अब ये जो 80% लोग हैं ये इनके खिलाफ में हैं, वो योगी जी इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो जो बात कह रहे हैं वो हकीकत यही है कि 80% वोट उनके खिलाफ में ही जाएगा। आपकी बात है।